धार से बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को मिला है नियमित स्वास्थ्य कर्मियों का साथ। आपको बता दें, नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धार से, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित स्वास्थ्य कर्मियों का भी अब साथ मिल चुका है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, जिसके कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता संजय। संजय जानना चाहेंगे, बात करें धार की, जहां पर अब नियमित स्वास्थ्य कर्मियों का भी साथ मिल चुका है, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को कैसे देखा जाए? जी सुनील, बताना चाहूंगा कि मैं संविदा कर्मचारियों के साथ नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर आज से उतर चुके हैं। इन दोनों ही कर्मचारी संघों के उतरने से हड़ताल उतरने से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। अब व्यवस्थाएं फैल रही है स्वास्थ्य केंद्रों पर। लेकिन संजय, अगर यहाँ पर बात की जाए, नियमित स्वास्थ्य कर्मी भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिल चुके हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, क्या प्रशासन के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? जिस जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन मामला प्रशासन प्रदेश स्तर का है, इसलिए केवल आश्वासन ही दिया गया है स्थानीय अधिकारियों द्वारा। संजय, कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है जो ये हड़ताल है ये उग्र रूप ले सकती है, क्योंकि अब नियमित स्वास्थ्य कर्मी भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। जी, आगामी दिनों में पल्स पोलियो अभियान शुरू होने वाला है, वह इस हड़ताल के कारण प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर धार से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अब नियमित स्वास्थ्य कर्मियों का साथ मिल चुका है, नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे हैं।